बगहा के दीनदयाल नगर पर यात्रियों से भरी नाव गंडक नदी में डूब गई है। सूचना के बाद प्रशासन की टीम गंडक नदी के आसपास के घाटों पर रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। गंडक नदी में बगहा शहर के दीनदयाल नगर घाट पर नाव डूबी, जिसमें करीब 25 लोगों के सवार होने की आशंका जताई गई है। 5 लोगों को सुरक्षित निकाला गया है, शेष की तलाश अभी भी जारी है। नाव हादसा को लेकर मची है अफरा तफरी। बताया जाता है कि दियारा से शहर पैसेंजर से भरी नाव आ रही थी, जो नदी की धारा में ही असंतुलित होकर डूब गई। नाव हादसा का कारण प्रारंभिक तौर पर नाव पर भैंस का लादना है, जिसने नाव को असंतुलित कर दिया। फोन गया है घर ही पर थे सुबह, तो फोन गया है कि नाव डूब गई घाट के सामने, अपने घाट के सामने। वही आए हैं तो सब लोग बता रहे हैं कि लगभग 25 से 30 लोग उस पर सवार थे, और घाट पर उस समय एक ही दो लोग थे जिन्होंने नाव को डूबते हुए देखा। 25-30 लोग उस समय से डूबे हैं, नाव भी कहाँ गई, अभी इस नदी में विलीन हो गई है, कहीं पता नहीं चल रहा है। अभी खबर मिल रही है कि आगे छोटी नाव से कुछ 4-5 लोगों को आगे निकाला गया है, तो अभी तक उनकी परफेक्ट सूचना नहीं है। अब बाकी लोग का कोई अतः पता नहीं। अब आगे पुअर हाउस घाट पर भी बोला गया है, फिर नदी थाना को भी बुलवाया गया है कि वहाँ भी रतवल घाट पर जाकर लगता है अगर कोई डूबता है तो यहाँ से, तो अब कोई खबर उधर आगे मिले तो मिले, अभी यहाँ कोई खबर नहीं मिली है। 4-5 लोगों की सूचना मिली है, SDM साहब को हमने खबर किया है, SDRF की टीम को उन्होंने बोला है कि भेज रहे हैं। इस न्यूज के प्रस्तुत करता है सिटी सेंटर द कंप्लीट मल्टी ब्रांड मेंस वेयर शोरूम सुभाष चौक दरभंगा। ली एक्सक्लूसिव शोरूम सुभाष चौक और दैनिक ओमी टाइम्स न्यूज़पेपर दरभंगा।